यूपीएल के मैक्स अच्छा हॉस्पिटल है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, तो हमने यहाँ आके दिखाया। और यहाँ पे आते ही डॉक्टर की टीम ने, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने मुझे फटाफट जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट्स एग्जामिन थे और ट्रीटमेंट्स थे सबके बारे में डिटेल्स दी। और हमें इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करते हुए विद इन वन वीक मैंने अपना सर्जरी करवा लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें हम बिल्कुल स्कोप छोड़ सकते कि छोड़ा जाए इसको, सर्जरी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट उन्होंने मेरा कीमो स्टार्ट कर दिया और मैं यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम है, बहुत सेटिस्फाइड रही क्योंकि इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सिर्फ कैंसर एक ऐसी बीमारी जो जिसने मुझे पूरा झकझोर दिया, जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला मुझे कैंसर है तो शायद मुझे लगा पता नहीं क्या बीमारी मुझे आ गई है और शायद ठीक नहीं होगी। लेकिन मेरी 45 एज है इस टाइम, और इस टाइम डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आपके हॉर्मोन्स पॉजिटिव हैं और आप रिकवर कर जाओगे बहुत जल्दी, तो ये बहुत बड़ी होप थी मेरे लिए। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के विद इन 3 वीक्स में ही, महीना भी पूरा नहीं हुआ था, डॉक्टर साहब ने मेरा कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दी। मेरी कीमोथेरेपी के 8 सेशंस होने थे जिसमें से 7 कंप्लीट हो चुके हैं और अभी एक लेफ्ट है, होना है। और मैं अपने आप को अभी से बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, कीमोथेरेपी का एक मेरे मन में बहुत बड़ा डर था कीमोथेरेपी को लेके कि क्या होगा, कैसे होगा, साइड इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो मेरे को लेकिन अब लगता है कि अगर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड सब आपके सपोर्ट में हैं, डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं, आपके आसपास हर जगह पॉजिटिविटी है, तो कीमोथेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। साथ में अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं आपके सामने बिल्कुल फिट हूँ। और मुझे लगता है कि सभी को अवेयर होना चाहिए इसको लेकर।